नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और शानदार जानदार जबरदस्त वीडियो में। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट और आपका रियल एस्टेट एडवाइजर अनिल कुंद्रा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज जेडीए। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी रेरा के बारे में, और जो जितना मुझे पता है मैंने उतना बताया। डेप्थ में नहीं गए थे हम, सेम वैसे के वैसा ही। आज हम बात करेंगे जेडीए के बारे में, जेडीए क्या है। अब जेडीए की बात करते हैं। सबसे पहले जेडीए का फुल फॉर्म, जेडीए का मतलब है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब जेडीए क्यों बना? क्योंकि हर शहर को विकास की ज़रूरत होती है, और हर शहर को विकास करने के लिए एक समिति होती है या एक गवर्नमेंट बॉडी होती है। और अपने जयपुर को विकास करने के लिए कौन से प्रोजेक्ट कहाँ पे आएगा, उसका प्लान तैयार करने के लिए तो जेडीए का गठन हुआ। जेडीए का गठन इसलिए हुआ था कि जयपुर शहर को एक नई दिशा प्रदान की जाए, और जयपुर शहर जो कि पहले से ही राजा महाराजाओं के टाइम से ही फेमस है। और जयपुर शहर को आपको पता है भारत का पेरिस और पिंक सिटी तो जानते ही हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। इसके अलावा जो चार दीवारी या परकोटा बोलते हैं, जिसको हम ओल्ड सिटी बोलते हैं या पिंक सिटी बोलते हैं, अगर आप देखोगे तो भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जयपुर, जहाँ पे पहली बार जो डेवलपमेंट हुआ था या सड़कें बनी थी या कॉलोनी बसी थी या घर बने थे, जो भी बने थे वो एक प्लान के तहत बने थे। आपको बताओगे जयपुर में चौड़ी चौड़ी सड़कें, चोर और चौकोर, जैसे आप इधर से निकलोगे तो आप सीधे उस रोड पर निकल जाओगे, उधर से निकलोगे तो दूसरे रोड पर निकल जाओगे। तो पुरानी स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बॉडी यहाँ पे इस्टेब्लिश की, जेडीए। और जेडीए का अगर ऑफिस की बात करें तो जेडीए का ऑफिस है अपने जेलन मार्ग पे, बिरला मंदिर के जस्ट सामने, वहाँ पे जेडीए का ऑफिस है। और इसके अलावा जेडीए का क्या क्या काम रहता है? जेडीए का काम रहता है, सबसे पहले तो जेडीए ने क्या किया, सबसे पहले मास्टर प्लान बनाया पूरे जयपुर का कि कैसे डेवलप करेगा और कहाँ पे कौन सी रोड है, कहाँ पे क्या रोड है। जैसे सपोज करो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ तो रिंग रोड कहाँ से निकलेगी, तो रिंग रोड का पूरा जो प्लान रहता है, जमीन लेने से लेके पूरा डेवलपमेंट, कौन सा टोल कहाँ बनेगा, कौन सा रोड बनेगा, कौन से प्लॉट, ये सारा प्लान जेडीए ही निर्धारित करता है। कौन सी जगह पे कृषि भूमि है, कौन सी जगह पे रेजिडेंशियल या कमर्शियल है, या कौन सी जगह पे एजुकेशनल जोन है, या कौन सी जगह पे कोचिंग हब है, कौन सी जगह पे कमर्शियल मतलब कि कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, ये सारी चीज़ें जेडीए करता है, उसे काम कर रहा है, आपको मैं बता दूँ। और आज के टाइम पे अगर देखोगे तो सोसाइटी की जो ज़मीनें आया करती थी या सोसाइटी में जो ज़मीनें कटती थी पहले, वो बहुत कम हो गया है। और लोग आजकल वैसे जागरूक हो चुके हैं, जेडीए ही प्रेफर करते हैं, प्लस रेरा भी आजकल आ गया। तो रेरा, पहले अगर रेरा के बारे में जानना है तो पिछली वाली वीडियो को जरूर से जरूर देखें, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आजकल जो लोग हैं वो भी जेडीए अप्रूव्ड और रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को ही प्रेफरेंस देते हैं। प्लस जेडीए में अच्छी बात यह है कि जो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी में भी हो, हर आदमी के पास में ज़्यादा पैसा नहीं है आज तो। हर आदमी मोस्टली 80% आदमी जो जीवन में एक से दो बार प्रॉपर्टी का प्लान करता है, वो आदमी हमेशा लोन पे जाएगा। तो लोनेबल प्रॉपर्टी ओनली फॉर जेडीए, जेडीए की जो प्रॉपर्टी होती है वो लोन पे होती है, उनमें आसानी से लोन मिल जाएगा। सारे बैंकों के आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम रहेगा, और कोई एडन चार्जेस भी नहीं रहते बैंकों के। इसके अलावा खाली प्लॉट पे भी आपको लोन मिल जाता है, अगर जेडीए का प्लॉट है तो खाली प्लॉट पे मिल जाएगा। अगर कंस्ट्रक्शन के साथ में लेते हो तो वो होम लोन मिल जाएगा, उसमें आपको टैक्स में रिबेट, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो जेडीए के फायदे बहुत सारे हैं, लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में क्या है, एक तो अगर आप लोगे तो सोसाइटी वाले जो लोग हैं वो आपको बताएंगे नहीं कि कौन सा रोड कहाँ से निकल रहा है, या यहाँ से जैसे हाई टेंशन के नीचे भी कॉलोनियाँ काट देते सोसाइटी वाले तो। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, शायद मैं जेडीए जेडीए कर रहा हूँ, लेकिन अपना जो जयपुर है से लेकिन 90% तक सोसाइटी में ही बसा हुआ है, सोसाइटी में कटा था, सोसाइटी में बसा हुआ है। अभी हाउसिंग बोर्ड, मानसरोवर और प्रताप नगर की बात करें तो हाउसिंग बोर्ड और जेडीए ने, मतलब हाउसिंग बोर्ड ने बसाया। इसके बाद में धीरे धीरे जेडीए की स्कीमें आने लगी खुद की, उसके बाद में जैसे बिल्डर लाइक गोकुल कृपा और कई सारे बिल्डर हैं, यूनिक बिल्डर, यूबी बिल्डर, यूडीबी, बहुत सारे बिल्डर हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि ज़मीन एक्वायर करते हैं जेडीए से, मतलब जेडीए में सरेंडर करते हैं, जेडएलसी करवा के,
ये सारा प्रोसेस करके फिर खुद के हिसाब से उसको डेवलप करते हैं और खुद लॉन्च करते हैं, वो भी JDA, और खुद JDA खुद पर्सनल स्कीमें भी काटता है। आपको बता दूँ JDA पर्सनल स्कीमें भी काटता है, वो ऑक्शन में ही देता है। जैसे आप देखोगे डिग्गी मालपुरा रोड पर जाओगे तो 8 से 10 साल पहले रोहिणी नगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड काटे थे, उसके बाद वाटिका साइड जाओगे तो वहाँ पे हीरालाल शास्त्री नगर है, कभी बीघा की स्कीम है। इसके अलावा आप शिवदासपुरा की साइड जाओगे वहाँ पे कॉलोनी है, अजमेर रोड के ऊपर कॉलोनी है, JDA की बहुत दूर दूर तक कॉलोनी है। अब इसका मतलब ये एक नहीं है कि JDA ने ऐसे ही पैसा व्यर्थ कर दिया या जो इन्वेस्टर है उन्होंने पैसा ले लगाया और वहाँ पे माइनस हो गए, आज लग रहा है माइनस में, लेकिन JDA की प्लानिंग रहती है 10 साल 20 साल आगे की। अभी 2025 तक का मास्टर प्लान चल रहा है, लेकिन अगर हम JDA की बात करें 2049 या 2047 तक का भी मास्टर प्लान बन चुका है, वो हमारे पास या आपके पास में नहीं है, लेकिन JDA पहले से ही 25 साल आगे की प्लानिंग कर चुका है। तो JDA ने 25 साल आगे पहले सोच के उस जगह को काटा है। तो ये JDA के बारे में है थोड़ा सा वीडियो, पर्सनल राय दूँ तो मैं सही बताऊँ, आप अगर प्रॉपर्टी लेते हो या दुकान भी लेते हो ना छोटी सी भी, तो चिन्ना सा भी पैसा इन्वेस्ट करना है ना जमीन में, तो आपको सिर्फ JDA अप्रूव्ड ही प्रॉपर्टी लेनी है। मैं ये नहीं बोल रहा मुझसे लो, किसी से लो, कहीं से भी लो, किसी भी ग्रुप से लो, किसी भी जगह दो, गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ही लेना है। जैसे अजमेर में ADA, जहाँ पे अपने JDA, तो ऐसे चलते हैं हर जगह, गवर्नमेंट बॉडी होती है, रेरा में रजिस्टर होते हैं। आजकल सारी चीज़ें आप घर बैठे चेक कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है इंटरनेट सबके पास है, जो सोसाइटी में डेवलप हुए थे एरिए और उनको जबरदस्ती JDA ने उनको स्कीमें दी, मतलब कि उनको पट्टे दिए उनके घर के, तो वो एक समझौता वाला हो गया। न तो उस जगह पे पार्क है, न कोई पानी की टंकी है, सीवरेज की लाइन नहीं है। अगर सबसे बड़ी फेलियर कॉलोनी देखो तो पृथ्वीराज नगर को देखो आप, जो मानसरोवर इतने बड़े बड़े रिहायशी इलाकों से होकर निकलती है, सांगानेर से लेके अपने सिरसी रोड तक है। आप देखोगे मास्टर प्लान में एक अजमेर रोड की साइड में ग्रे ग्रे कलर का एक वो रहता है जगह, वो है अपना पृथ्वीराज नगर, जो कि काश्तकारों ने काट दी थी। आपको तो पता ही होगा कि JDA ने कितने घर तोड़े थे, जब दो दो ये रिंग रोड से रोड निकाल रहे हैं, वंदे मातरम रोड निकाला मानसरोवर में, और गोपालपुरा बरकत नगर को जब चौड़ा किया था ना, तो JDA ने कितने ही तरह के रोड निकाले थे। उसमें मैं बताऊंगा JDA, अगर ये JDA होता या अगर ये सोसाइटी होता तो आज क्या होता डिग्गी मालपुरा रोड का, लेकिन वो सोसाइटी भी नहीं है, वो JDA भी नहीं है डिग्गी मालपुरा रोड, इसलिए वो कुछ अलग ही है। किसके नाम से, किसी भी स्कीम में आपका अगर JDA अप्रूव्ड प्लॉट है तो आप वहाँ पे जाके सर्च करके आपका पट्टा चेक कर सकते हो कि किसके नाम से निकला है, किसी और का भी कर सकते हो आप जाके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।